रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज, आज जो हमें पास्टर क्रिस ओयाखिलो में द्वारा आज 14 दिसंबर 2020 सोमवार आज जो हमको विषय दिया है ये तीतुस की पत्री पहला अध्याय दूसरे और तीसरे वचन के आधार से है। वी हैव गॉट टू प्रीच इट, हमने प्रचार करना ही है। वी हैव गॉट टू प्रीच इट, हमने प्रचार करना ही है। यह टाइटस फर्स्ट चैप्टर टू एंड थ्री वर्ड्स में से हमने इसे समझना है। इन होप ऑफ इटर्नल लाइफ विच गॉड दैट कैनॉट लाई प्रोमिस्ड बिफोर द वर्ल्ड बिगैन बट हैथ इन ड्यू टाइम्स मैनिफेस्टेड हिज वर्ड थ्रू प्रीचिंग विच इज कमिटेड unto me according to the commandment of God our Savior। हम इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। और एक बार पढ़ेंगे तीतुस पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। वी हैव गॉट टू प्रीच द वर्ड, वी हैव गॉट टू टेल द अनटोल्ड और they will never have the chance to believe it and be saved। हमने प्रचार को करना है परमेश्वर के वचन को उन लोगों के लिए जिनको अभी तक वो प्रचार नहीं बताया गया है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि उनको दोबारा कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वह विश्वास कर पाए और उद्धार पा सके। रोमन्स 10:13-14 वर्ड सेज, फॉर वॉट सो एवर शाल कॉल अपॉन द नेम कॉल ऑन हिम इन होम दे हैव नॉट बिलीव्ड। और रोमियो के 10:13-14 वचन इस प्रकार से बताता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। और एक बार पढ़ेंगे 13-14, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। विदाउट अ प्रीचर दे कांट हियर द गॉस्पल, और प्रचारक के बिना वह प्रचार को सुन भी नहीं सकते हैं। दिस इज वाई वी आर कंपेल्ड टू प्रीच द गॉस्पल एवरीवेयर, यही कारण है कि हमें विवश किया जाता है कि हमने सुसमाचार को सभी जगहों में फैलाना है, सुनाना है।
the apostle Paul said, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Romans 1:16. प्रेरित पौलुस जो है वो इस विषय पर बोलता है रोमियो के 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। There is no salvation without the gospel. सुसमाचार के बिना उद्धार नहीं है। The power of God to bring someone out of trouble, distress, sin and death is in the gospel of Christ. जो सामर्थ है परमेश्वर की वह किसी को मुश्किलों में से, दुख में से, पाप में से और मृत्यु में से बाहर ला सकती है, ऐसी सामर्थ मसीह के सुसमाचार में है। We read in our theme verse that God promised eternal life before the world began, and now He has fulfilled His promise, manifested His word, and made eternal life available through the preaching of the gospel. हमने इस बात को पढ़ा पहले ही वचन में, जो तीतुस के वचन अध्याय 1 में पढ़ा हमने 2 और 3 वचन में, कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो अनंत काल के जीवन की वायदा जो किया हुआ था वह जगत की उत्पत्ति से पहले किया गया था और अभी उसे पूरा भी कर दिया गया है, और अभी वो प्रकट हो चुका है, वो वायदा, उसके वचन और अनंत काल का जीवन अभी इस पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार के अंदर, प्रचार के अंदर मौजूद है। See how blessed we are to be the custodians and bearers of the divine order, Ambassadors of divine realities. तो देखिए कैसे आशीषित है हम, और कैसे कैद में है हम, और किस प्रकार से ईश्वरीय रचना के हम लेकर चलते हुए लोग हैं, और हम राजदूत हैं ईश्वरीय सच्चाई के लिए। They are not going to get the gospel any other way until we preach it to them. उनको कहीं से भी सुसमाचार नहीं मिल सकता है जब तक हम उनको प्रचार ना करें। Put your whole life into this, as it's all that truly matters. आपका पूरा जीवन इसके अंदर डाल दीजिए, वहाँ तक जब तक कि आपको और कुछ भी अच्छा ना लगे, केवल यही आपको ज़रूरी लगे। Ensure the gospel gets to as many as have been ordained to receive it in your world and in the religious beyond. इस बात की खातरी कीजिए कि सुसमाचार जितना हो सके उतना आप उन लोगों तक पहुंचा सके जहां जगत में और अलग अलग राष्ट्रों के परे और दूर दूर तक आप उसे लेकर जा पाएंगे, जहां तक उसे जाने की ज़रूरत है और उसे प्राप्त करने की ज़रूरत है। कन्फेशन, अंगीकार करेंगे। अब अगर आप अंगीकार करना शुरू करते हैं तो आपने इसे हिंदी में, अगर अंगीकार करना है तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कीजिए, लेकिन इसे मुँह से अंगीकार करना, बोलना बेहद ज़रूरी है।
I am an ambassador of Christ in the gospel. मसीह में सुसमाचार के लिए मैं राजदूत हूँ. I am fervent for the Lord, vibrant, exuberant, and aglow in the spirit always, serving Him with my whole heart, soul, and mind. मैं प्रभु में लगातार धड़कता हुआ और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ और ज्वलंत हो आत्मा में हमेशा के लिए उसके सेवा के लिए मेरे पूरे हृदय, प्राण और मन के साथ. थ्रू मी द गॉस्पल इज रीचिंग मैनी हु हैव बीन ऑर्डेन्ड फॉर सेल्वेशन. They are transferred from darkness into the glorious liberty of the sons of God. Hallelujah. मेरे द्वारा सुसमाचार दूर दूर तक बहुतों के लिए रचा कर लेकर जाया जा रहा है उनके उद्धार के लिए, ताकि वो अंधकार से निकल जाए और महिमामय आज़ादी में आ सके जो परमेश्वर के संतानों के लिए है. हालेलुया. आज जो वचन हमको मनन करने के लिए दिया है वो ये है, फर्स्ट कोरिंथियंस 1:18, Acts 4:12, Matthew 28:19-20. पहले कुरंथियों 1:18, प्रेरितों के काम 4:12, मत्ती का सुसमाचार 28:19-20 तक. ये सारे वचन हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर इन्हीं वचनों को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. फर्स्ट कोरिंथियन 1:18, फॉर द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस इज टू देम दैट पेरिश फुलिशनेस, बट unto us which are saved is the power of God. First verse, और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. पहला कुरंथियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है. Acts 4:12, Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मैथ्यू 28th चैप्टर नाइनटीन्थ और 20th वर्स। गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग्स व्हाटसोएवर आई हैव कमांडेड यू, एंड लो आई एम विथ यू ऑलवे, इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आमेन। मैथ्यू 28:19 और 20 और एक बार पढ़ेंगे। गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग्स व्हाटसोएवर आई हैव कमांडेड यू, एंड लो आई एम विथ यू ऑलवे, इवन अनटू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आमेन। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 वचन। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 6 चैप्टर, आमोस 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और आमोस 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 6 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 1st verse से। The opening of 6 seals in order, 1st verse से। And I saw when the lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the 2nd seal, I heard the 2nd beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat there on to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. And when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, A measure of wheat for a penny,
एंड 3 measures ऑफ बार्ली फॉर अ पेनी एंड सी दाउ हॉल्ट नॉट द ऑयल एंड द वाइन एंड व्हेन ही हैड ओपन्ड द फोर्थ सील आई हर्ड द वॉइस ऑफ द फोर्थ बीस्ट से कम एंड सी एंड आई लुक्ड एंड बिहोल्ड अ पेल हॉर्स एंड हिज नेम दैट सैट ऑन हिम वॉज डेथ एंड हेल फॉलोड विथ हिम एंड पावर वॉज गिवन अनटू देम ओवर द फोर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ टू किल विथ स्वॉर्ड एंड विद द हंगर एंड विद डेथ एंड विद द बीस्ट्स ऑफ द अर्थ And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, doest thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bond man, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall he be able to stand? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 7 मोहरों का खोला जाना। पहले वचन से, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 300 जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना,
तीन सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। सात वचन से आगे, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। 12 वचन से आगे, जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। अमोस चैप्टर 1, गॉड्स जजमेंट अपॉन सीरिया। ओके, गॉड्स जजमेंट अपॉन सीरिया, द फिलिस्टाइन्स, टाइरस, ईदोन एंड अमोन। The words of Amos, who was among the headmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake, and he said, "The Lord will roar from Zion and utter his voice from Jerusalem. And the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Damascus, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron. But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben-Hadad. I will break also the bar of Damascus and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the scepter from the house of Eden. And people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the Lord. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Gaza, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they carried away captive the whole captivity to deliver them up to Edom. But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof, and I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the scepter from Ashkelon. And I will turn mine hand against Ekron, and the
remnant of the Philistines shall perish, said the Lord God. Thus said the Lord, for 3 transgressions of Tyrus and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they delivered up the whole captivity to Edom and remembered not the brotherly covenant. But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Edom and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did bear, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath forever. But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of the children of Ammon, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they have ripped up the woman with child of Gilead, that they might enlarge their border. But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind. And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the Lord. Chapter 2. God's wrath against Moab, Judah, and Israel. First verse se padenge. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Moab, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kirioth, and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet. I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the Lord. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err after the which their fathers have walked. But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they sold the righteousness for silver, and the poor for a pair of shoes, that pant after the dust of the earth on the hill head of the poor, and turn aside the way of the meek. And a man and his father will go in unto the same maid to profane my holy name, and they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their God. Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks. Yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath. Also I brought you up from the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness to possess the land of the Amorite. And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel, saith the Lord? But ye gave the Nazarites wine to drink, and commanded the prophets, saying, prophesy not. Behold, I am pressed under you as a cart is pressed that is full of sheaves. Therefore the flight shall perish from the swift, and the
strong shall not be strengthened his force, neither shall the mighty deliver himself, neither shall he stood that handleth the bow, and he that is swift to foot shall not deliver himself, neither shall he that rideth the horse deliver himself, and he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the Lord. Chapter 3. The necessity of God's judgments against Israel. First verse say, hear this word that the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, you only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you for all your iniquities. Can two walk together except they be agreed? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is for him? No gin is for him. Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets. The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Publish in the palaces of Ashdod and in the palaces in the land of Egypt, and say, assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof. For they know not to do right, saith the Lord, who store up violence and robbery in their palaces. Therefore thus saith the Lord, therefore thus saith the Lord God, an adversary there shall be even round about the land, and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled. Thus saith the Lord, as the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch. Hear ye and testify in the house of Jacob, saith the Lord God, the God of hosts, that in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him, I will also visit the altars of Bethel, and the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. And I will smite the winter house with the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord. Chapter 4. Israel reproved for oppression, for idolatry, and for their incorrigibleness. First verse se padhenge, hear this word, ye kin of Bashan that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to their masters, bring and let us drink. The Lord God hath sworn by his holiness that, lo, the days shall come upon you that he will take you away with hooks, and your posterity with fish hooks. And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her, and ye shall cast them into palaces, into the palace, saith the Lord. Come to Bethel and transgress at Gilgal, multiply transgression, and bring your sacrifices every morning, and your tithes after 3 years, and offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offering, for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord God. And I also have given you cleanness
of teeth in all your cities and want of bread in all your places. Ye have ye not returned unto me. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. And also I have withholden the rain from you. When there were yet 3 months to the harvest, and I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon another city, one piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered. So 2 or 3 cities wandered unto one city to drink water, but they were not satisfied. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have smitten you with blasting and mildew, when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased. The palm worm devoured them, yet ye not returned unto me, saith the Lord. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword, and have taken away your horses, and I have made the stink of your camps to come up unto your nostrils. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. For lo, he that formeth the mountains and createth the wind and declareth unto man with what is his thought, that maketh the morning darkness and createth upon the high places of the earth. The Lord, the God of hosts, is his name. अमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक पहले वचन से पढ़ेंगे. पहला अध्याय पहले वचन से. तको आवासी अमोस जो भेड़ बकरियों का चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इसराइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इसराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे. यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा. तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी. इसराइल के पड़ोसी राज्यों का न्याय. आराम. तीसरे वचन से. यहोवा यों कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले वस्त्रों से रौंद डाला है. इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे. मैं दमिश्क के बिंडों को तोड़ डालूंगा और अवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेत एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे. यहोवा का यही वचन है. पलिश्तिया 6 वचन से आगे. यहोवा यों कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे. इसलिए मैं गाजा के शहरपना में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे. मैं अशदोद के रहने वालों को और अशकलोल के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा. मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे. परमेश्वर यहोवा का यही वचन है. सोर 9 वचन से आगे. यहोवा यो कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई केसी वाचा का स्मरण न किया. इसलिए मैं सोर के शहर पना पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे. एदोम
11 वचन से आगे, यहोवा यों कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। अमोन 13 वचन से आगे, यहोवा यो कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा को शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हकीमी समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। मोआब 2 अध्याय 1 वचन से, यहोवा यों कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायों का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हकीमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहूदा 4 वचन से आगे, यहोवा यों कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी पटक गए हैं। कौन है? वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इसराइल का न्याय 6 वचन से आगे, यहोवा यो कहता है, इसराइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र की 1 जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक के लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इसराइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है।
परंतु तुमने नाजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी न करे। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम न देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा। सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। तीसरा अध्याय पहले वचन से, हे इसराइलियो, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। भविष्यद्वक्ता का कार्य। तीसरा वचन आगे, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गरजा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न करेगा? सामरियों का विनाश। नौ वचन से आगे, अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यों कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इसराइली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं वे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है। देखो और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो, जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के संग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हाथी दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। चार अध्याय पहले वचन से, हे बाशान की गायों, यह वचन सुनो। तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने प्रति से
अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएंगी। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। इसराइल सुधरने में असफल। बेतेल में आकर, चौथे वचन से आगे, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इसराइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। छे वचन से आगे, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लोह और गेरुए से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। 12 वचन से आगे, इस कारण हे इसराइल, तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ, हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। टू ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, रेवलेशन 13 चैप्टर 1-10 वर्स, मीका 5 चैप्टर 6 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1-10 वचन और मीका की भविष्यवाणी 5 अध्याय और 6 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 13th चैप्टर 1st वर्स से पढ़ेंगे, द बीस्ट विथ 7 heads and 10 horns। 1st वर्स से पढ़ेंगे, 13 चैप्टर 1st वर्स से, एंड आई स्टूड अपॉन द सैंड ऑफ द सी एंड सॉ अ बीस्ट राइज अप आउट ऑफ द सी हैविंग 7 heads and 10 horns एंड अपॉन हिज हॉर्न्स 10 crowns and upon his heads
the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority, and saw one of the heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. Be that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killed with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to eat to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast of the number or the number of his name. Here is wisdom. हमको सिर्फ 13 वचन तक पढ़ना था, हमने उसे 18 वचन तक पढ़ लिया, यहाँ तक ही था सिर्फ. एंड ही डूएथ ग्रेट वंडर्स सो दैट ही मेकथ फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द अर्थ इन द साइट ऑफ मैन, यहाँ तक पढ़ना था, हमने 18 तक पढ़ा. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले वचन से, दो पशु. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे. उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे. जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मोह सिंह का सा था. उस अजगर के अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया. मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है.
फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मोह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मोह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने और एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से दो सिंह थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार करके सामने काम में लाता था, उस अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। मीका 5 chapter, birth of Christ foretold, his kingdom and conquest. First verse से पढ़ेंगे। Now gather thyself in troops, O daughter of troops, he hath laid siege against us. They shall smite the judge of Israel with a rod upon the cheek. But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Therefore will he give them up until the time that she which traveleth hath brought forth. Then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel, and he shall stand and feed in the strength of the Lord in the majesty of the name of the Lord his God, and they shall abide for now, shall he be great unto the ends of the earth. And this man shall be the peace when the Assyrian shall come into our land, and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him 7 shepherds and 8 principal men, and they shall waste the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof. Thus shall he deliver us from the Assyrian. When he cometh into our land, and when he treadeth within our borders, and the remnant of Jacob shall be in the midst of many people, as a dew from the Lord, as the showers upon the grass that tarrieth not for men, nor waiteth for the sons of men.
एंड द रेमिनेंट ऑफ जेकब शाल बी अमोंग द जेंटाइल्स इन द मिडस्ट ऑफ मेनी पीपल एज अ लायन अमोंग द बीस्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एज अ यंग लायन अमोंग द फ्लॉक्स ऑफ शीप हो इफ ही गो थ्रू बोथ ट्रेडेथ डाउन एंड टियरेथ इन पीसेस एंड नन कैन डिलीवर देन Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries, and all thine enemies shall be cut off. And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots. And I will cut off the cities of thy land, and throw down all thy strongholds. And I will cut off witchcrafts out of thine hand, and thou shalt have no more soothsayers. Thy graven images also will I cut off, and thy standing images out of the midst of thee, and thou shalt no more worship the work of thine hands, and I will pluck up thy groves out of the midst of thee. So will I destroy thy cities, and I will execute vengeance in anger and fury upon the heathen, such as they have not heard. Chapter 6. God's controversy for unkindness, for ignorance, for injustice, and for idolatry. First verse se padhenge. Hear ye now what the Lord saith, arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice. Hear ye, O mountains, the Lord's controversy, and ye strong foundations of the earth. For the Lord hath a controversy with his people, and he will plead with Israel. O my people, what have I done unto thee, and wherein have I wearied thee? Testify against me. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants, and I sent before Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him, from Shittim unto Gilgal, that ye may know the righteousness of the Lord. Wherewith shall I come before the Lord, and how and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He hath shewed thee, O man, what is good, and what doeth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. The Lord's voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name. Hear ye the rod, and who hath appointed it? Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the sand and the scant? And the scant measure that is abominable, shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights for the rich men thereof? Are full of violence, and inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth. Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins. Thou shalt eat, but not be satisfied, and thy casting down shall be in the midst of thee.
एंड दाउ शाल्ट टेक होल्ड बट शाल नॉट डिलीवर एंड दैट विच दाउ डिलीवरेस्ट विल आई गिव अप टू द स्वॉर्ड दाउ शाल्ट सो बट दाउ शाल्ट नॉट रीप दाउ शाल्ट ट्रीड द ऑलिव्स बट दाउ शाल्ट नॉट अनॉइंट दी विथ ऑयल एंड स्वीट वाइन बट शाल्ट नॉट ड्रिंक वाइन फॉर द स्टैट्यूट्स ऑफ ओमरी आर केप्ट And all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels, that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof, and hissing. Therefore, ye shall hear the reproach of my people. मीका के भविष्यवाणी 5 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इसराइल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। बेतलहम में एक राजा के आने की वाचा। दूसरे वचन से, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक वाचा उत्पन्न न करे। तब इसराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा, छुटकारा और दंड, जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पांव रखे। तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसके सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोती। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच में से आए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा न सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाए, यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा। मैं तो देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोनहे आगे न हो रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। 6 अध्याय इसराइल के
इसराइल के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग। पहले वचन से, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाए, हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इसराइल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बलाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तेम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। परमेश्वर क्या चाहता है? छः वचन से आगे, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तो न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं, और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुँह से छल की बातें निकलती है। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तो बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तो जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने न पाएगा, क्योंकि वे ओम्री की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वाली पर ताली रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नाम धराई सहोगे। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन।